हाय फ्रेंड, माय नेम अनिमेश। तो फ्रेंड, आप ठंडे की मौसम है, आप हमारा जो स्किन है उसको केयर कैसे करोगे? तो फ्रेंड, बहुत फ्रेंड है जो हमारा स्किन को अच्छी से केयर नहीं करता है ठंडे की मौसम में। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. कुछ भी नहीं करता स्किन के लिए। तो फ्रेंड, आप बेस्टली आप जब स्नान करके आ रहे हो उस टाइम में आप अपना जो स्किन है उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्ट करना चाहिए, काम करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो जो आप नहा के आते हो उस टाइम में हमारा जो स्किन है वो पूरा की पूरा ड्राई हो जाता है। तो फ्रेंड, जैसे गर्ल्स जैसे स्किन को प्रोटेक्ट करता है, केयर करता है, ऐसे ही आप बॉयज लोग को चाहिए उतने ही स्किन को प्रोटेक्ट करना व केयर करना। तो फ्रेंड, वीडियो को लास्ट तक लास्ट देखिए, एवं अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना, फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कर देना। बॉयज कैसे हमारा जो स्किन है काम के साथ साथ हमारे स्किन को प्रोटेक्ट एंड केयर कर सके। तो फ्रेंड इसलिए आपको ठंडी की मौसम में कुछ टिप्स को आपको आजमाना पड़ेगा हमारी बॉडी के ऊपर, जो आपको कोई तकलीफ भी नहीं होगा इस टिप्स को अप्लाई करने के लिए। तो फ्रेंड, आप इस टिप्स को ट्राई करो एंड मैं पार्ट टू पार्ट वन बाय वन इस टिप्स को बोल रहा हूँ। जो आप ठंडे की मौसम में आप नहाने के टाइम में आप फेस में आप सोप यूज़ करते हो, तो फ्रेंड आपको सोप यूज़ करना नहीं चाहिए, क्योंकि फ्रेंड कभी भी हमारा फेस में सोप यूज़ ना को करो, क्योंकि फ्रेंड आप क्लींजर मिलता है व फेस वॉश मिलता है जो हमारी स्किन के साथ उसमें जो फ्रेश को ड्राई होने नहीं देता है एंड बहुत ही क्लीन रखता है एंड बहुत ही हेल्पफुल है। तो फ्रेंड, आप फेस में ठंडे की बात कोई भी मौसम में आप कभी भी सोप ना यूज करें। फ्रेंड, ठंडे की मौसम में हमारा जो लीफ है, लीफ को केयर रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपना जो लीफ है वो ठंडे की मौसम में ड्राई हो जाता है एंड बहुत ही ख़राब हो जाता है। तो इसको एक लुक देने के लिए आप इसमें लीफ जेल यूज़ कीजिए एंड उसके साथ साथ आप लीफ को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखिए, क्लीन रखिए एंड आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा आप कंज्यूम कीजिए अपने बॉडी के अंदर, दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी, तो हमारी लीफ को एक अच्छी लुक देता है इस ठंडे में। फ्रेंड, नेक्स्ट हमारे ठंडे की मौसम में हमारा जो स्किन है उसके ऊपर आप जितने पारो तो आप मॉइस्चराइजर यूज़ कीजिए, क्योंकि हमारा स्किन ठंडे की कारण बहुत ही ख़राब हो जाता है, ड्राई हो जाता है। तो आप मॉइस्चराइज यूज करोगे तो हमारा स्किन हाइड्रेट रहता है एंड बहुत सॉफ्ट रहता है। तो फ्रेंड, आप ज़रूर इसको यूज़ कीजिए नाइट सोने से पहले तो बेस्ट टाइम है नाइट पे आप सोने के पहले 10 मिनट व 15 मिनट पहले आप बॉडी में यूज ज़रूर की लीजिए। फ्रेंड, ठंडे की जो टाइम है हमारा जो लेग का नीचे पूरा ड्राई हो जाता है एंड बहुत ख़राब हो जाता है, उसको भी आपको केयर करना ज़रूरी है। फ्रेंड, इसको आप क्लीन रखिए एंड आप जब नहा रहे हो उस टाइम में उसको अच्छी से क्लीन कर दीजिए एंड वहाँ पे आप कुछ बाम एंड कुछ मॉइस्चराइजर का कुछ चीज़ आप वहाँ पे लगा दीजिए, तो वो बहुत ही सॉफ्ट एंड अच्छी रहे। नेक्स्ट हमारी जो जो ठंडे की सीज़न में हम गर्म पानी से नहाता है, तो इस गर्म पानी को अवॉइड कीजिए, क्योंकि इसको आप स्किन के ऊपर आप नहाओगे तो हमारा जो स्किन है वो बहुत ही ड्राई हो जाता है एंड बहुत स्किन के ऊपर इफ़ेक्ट आता है एंड हमारा जो हेयर है उसके ऊपर इफ़ेक्ट आ जाता है। तो फ्रेंड, इसको आप अवॉइड कीजिए, आपको अच्छी लगती है गर्म पानी में नहाने के लिए, तो फ्रेंड अच्छी लगने के लिए बहुत ही ख़राब हो जाता है हमारी बॉडी का कुछ चीज़। तो फ्रेंड, इस चीज़ को आप ध्यान रखिए एंड फ्रेंड अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना, फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कर देना। तो फ्रेंड, जाने के टाइम में जरूर सब्सक्राइब करना।